फ्रेंड्स, आजकल जितने भी पावरफुल बैटरी हैं, जैसे लिथियम आयन, सुपर कैपेसिटर, लेड एसिड बैटरी, ये सब कुछ दिन में ख़राब हो ही जाते हैं, लेकिन एक ऐसा भी बैटरी है जो कभी ख़राब नहीं होता है और इन सब बैटरी के मुकाबले बहुत ही सस्ता होता है और साथ ही साथ इन सब बैटरी के मुकाबले बहुत ज़्यादा एनर्जी स्टोर करता है। तो यह है ग्रेविटी बैटरी। आज हम लोग एक छोटा सा ग्रेविटी बैटरी बनाएंगे। ग्रेविटी बैटरी में ग्रेविटी का यूज किया जाता है एनर्जी को स्टोर करने में और इसका यूज करने में भी। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। इस तरह के बैटरी बनाने के लिए चाहिए हमें वाटर सोर्स और हमें चाहिए एक ऊंचा सा जगह, जो दोनों ही यहाँ पर अवेलेबल है। तो चलिए हम लोग इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। इसको बनाना बहुत ही सिंपल है। इसके लिए मैं सिंपली इस वाटर को इस मोटर के द्वारा उस कंटेनर में स्टोर कर दूंगा वाटर को, और फिर ग्रेविटी का यूज करके मैं इस वाटर को नीचे लाऊंगा और इस मोटर को चलाऊंगा, जिससे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होने लगेगा और फिर मैं इस इलेक्ट्रिसिटी को यूज करके दिखाऊंगा। तो चलिए इसे करते हैं। वाटर को पंप करने के लिए सोलर पैनल का यूज कर रहे हैं, क्योंकि यह रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी है और यह दिन भर इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करता है, और रात में जब इलेक्ट्रिसिटी नहीं होगा तब हम लोग इस वाटर का यूज करके इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर लेंगे। तो चलिए इसमें पानी भरना स्टार्ट करते हैं। मैं यहाँ से वायर कनेक्ट कर दे रहा हूँ। यस, पानी आना स्टार्ट हो गया है, देख सकते हैं यहाँ पर। अब यह कंटेनर भर चुका है तो मैं इसको बंद कर दे रहा हूँ, यहाँ से वायर छुड़ा दे रहा हूँ, यह बंद हो चुका है। तो चलिए अब इससे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं। मैं सिंपली अब इस पाइप को इसमें डाल दे रहा हूँ। अब पानी आना चालू हो गया है तो मैं इसको नीचे ले जा रहा हूँ। अब पानी गिरना स्टार्ट हो गया है, वहां पर देख सकते हैं। तो चलिए अब इससे कुछ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस चला करके देखते हैं चल जा रहा है कि नहीं, और मैं इसका वोल्टेज भी चेक करूंगा। देख सकते हैं यहाँ पर कैसे पानी गिर रहा है। अभी चलिए सबसे पहले इसका वोल्टेज चेक कर लेते हैं। यह छोटा सा जनरेटर 5 वोल्ट प्रोड्यूस करता है, तो चलिए देखते हैं अब अभी यह कितना प्रोड्यूस कर रहा है। मैं इसका वायर कनेक्ट कर दे रहा हूँ। यस, 4.92, यहाँ पर देख सकते हैं 93। ऑसम, हम लोग इससे मोबाइल भी चार्ज कर सकते हैं और भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस चला सकते हैं। तो चलिए अब इस एलईडी को चला करके देखते हैं। यह छोटा सा एक एलईडी है, इसको मैं जोड़ रहा हूँ। यस, जल रहा है, देख सकते हैं। ऑसम, यहाँ पर देख सकते हैं। और जब मोटर का भी साउंड चेंज हो जा रहा है जैसे ही मैं इसको कनेक्ट कर रहा हूँ, देख सकते हैं धीरे धीरे गिरने लग रहा है जैसे ही मैं जोड़ रहा हूँ। तो इस पर थोड़ा सा लोड जब पड़ रहा है तो यह स्लो हो जा रहा है, देख सकते हैं जल रहा है। अब मैं इस पर एक छोटा सा पंखा चला करके देखता हूँ, यह छोटा सा पंखा। यस, देख सकते हैं चल जा रहा है, बहुत ही मजेदार है। छोटा सा एक फैन चल जा रहा है इस छोटा सा मोटर से। अब मैं इसे एक स्मार्टफोन चार्ज करके देख रहा हूँ, यह 5 वोल्ट दे रहा है और स्मार्टफोन 5 वोल्ट से चार्ज होता है। तो चलिए देखते हैं चार्ज हो जा रहा है या नहीं। चलिए अब इसको कनेक्ट करके देखते हैं चार्ज हो जा रहा है कि नहीं स्मार्टफोन। यस, चार्ज हो जा रहा है, आप देख सकते हैं। इसको मैं ऑफ कर दे रहा हूँ ताकि दिखाई दे सके चार्ज हो रहा है या नहीं, कैमरा में नहीं दिखाई दे रहा होगा। अब यह स्मार्टफोन ऑफ हो चुका है, तो चलिए देखते हैं चार्ज हो रहा है या नहीं। यस, देख सकते हैं चार्ज होना स्टार्ट हो गया है, बहुत ही मजेदार है। यह तो ग्रेविटी बैटरी का एक छोटा सा मॉडल था।
हम लोग इसको बड़े पैमाने पर कर सकते हैं जहाँ पर वाटर सोर्स अवेलेबल हो और पास में उसके ऊंचा स्थान हो जहाँ पर वाटर स्टोर करने का सुविधा हो, तो हम लोग इसको बहुत बड़े पैमाने पर एनर्जी को स्टोर कर सकते हैं और इसका यूज भी कर सकते हैं। अगले वीडियो में हम लोग बिना वाटर के यूज से ग्रेविटी बैटरी बनाने वाले हैं। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए ताकि वो वीडियो आपसे मिस ना हो जाए। धन्यवाद।